الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों तमाम किस्म की तालिबात हम दो सताइश अजमतों की विदाई तहमीद और तकदीस उस खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़-ओ-सबा और मुदब्बिर इंसान के लिए है जो हम तमाम इंसानों का और कायनात की ज़र्रा ज़र्रा चीजों का मालिक मुरब्बी और पालनहार है। बेशुमार दरूद व सलाम हो उस ज़ाते मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा पर जिसका नाम नामी इस्म गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है जिन्होंने दुनिया के अंदर आकर हक को बातिल से नूर को तारीकी से और हिदायत को गुमराही से झाड़ कर नुमाया और वादे कर दिया। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین الله رب العالمين کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے سامنے मिंबरे रसूल पर खड़ा हूं क्योंकि तबीयत नासाज है। हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि खुतबा दे पाऊंगा और सोच ही रहा था कि अपनी जगह पर अपने जाकिर भाई को मैं कहूं कि वो खुतबा दे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की हिम्मत ने मुझे हौसला ने यह हौसला दिया कि मैं कुछ देर आपके सामने गुफ्तगू करूं, कुरान सुन्नत की कुछ अहम बातें आपके सामने रखूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सिर्फ दुआ ये करता हूं कि रब्बुल आलमीन मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे कि मैं कुरान सुन्नत की बातों को कमा हक कहूं
मैं अपने भाइयों के सामने रख सकूं और जो बात हम मिंबरे रसूल से कहें कुरान सुन्नत की रोशनी में कहें और उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मौलाना सामी, आज के खुतबे जुमा में मैं एक आप लोग उस मौजू को जानते हैं समझते हैं, वो मौजू है ऐसी नमाजें जिसका कोई फायदा नहीं, ऐसी नमाज जिसका कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा, जिसके पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। वो नमाजें क्या है और वो नमाजें कैसी हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने उस बात को रखूंगा कुरान सुन्नत की रोशनी में। इससे कबल कि मैं अपने मौजू की वजाहत करूं, एक अहम बात यह बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, ये पंदो रसाए की ये मजलिसे, ये दीनी खुतबात, ये कुरान और सुन्नत की ये महफिलें इसलिए नहीं हुआ करती हैं कि सुनने वाला सुन ले और कहने वाला कहकर मुतमईन हो जाए और सुनने वाले सुनकर खुश हो जाए कि आज तो कितनी अच्छी तकरीर हुई है, कितना अच्छा बयान हुआ है। ये खुतबात, ये मुहादरात, ये दुरूस और ये महफिलें इसलिए नहीं हुआ करती हैं, बल्कि ये खुतबात, ये मुहादरात, ये जुमा के खुतबे इसलिए हुआ करते हैं ताकि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुरान और हदीस को सामने रखते हुए अपने असलाफ, अपने सहाबे किराम और अपने असलाफ के अखलाकों के दार की रोशनी में अपने रोजमर्रा का शबो रोज का जायजा और मुहासिबा लें कि आया हमारी जिंदगी, हमारे मामलात उस रास्ते पर चल रहे कि नहीं चल रहे हैं जिस रास्ते पर हमें अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चलने का हुक्म दिया। क्या हमारे अखलाक, हमारे किरदार वैसे हैं जैसा हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अखलाक को बनाने का हुक्म दिया है? क्या हमारे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा रहन सहन वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है जैसा हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है? मेरे भाइयों, अगर फितरत जिंदा हो, अगर ईमान की रोशनी बाकी है और नसीहत हासिल करने का मिजाज इंसान के दिमाग में है, तो याद रखिए, किसी लंबी चौड़ी तकरीर की नहीं, किसी मोटे किताब की नहीं, किसी बड़े किताब की नहीं, या किसी बड़ी मजलिस की जरूरत नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी को चेंज करने के लिए, इंसान की जिंदगी के अंदर इंकलाब पैदा करने के लिए, इंसान की जिंदगी के अंदर चेंजिंग लाने के लिए एक जुमला ही काफी होता है। लेकिन अगर इंसान का फितरत जिंदा ना हो, उसके अंदर ईमान की रोशनी बाकी ना हो, उसके अंदर नसीहत हासिल करने का मिजाज ना हो, तो याद रखिए, आप एक घंटे की दो घंटे के बयान को सुना दीजिए, लंबे लंबे मोटी मोटी किताबें उसके सामने रख दीजिए, तलाई और बराइन के अंबार रख दीजिए, उसके बाद भी वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा। क्यों? इसलिए कि खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समिहिम, अल्लाह ने उसके दिलों पर मोहर लगा दी है, वो सुन नहीं सकता है, वो देख नहीं सकता है। मेरे भाइयों, इसीलिए एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ इसलिए कि अगर इंसान सुनने का मिजाज रखे और सुनने के बाद अमल करने का मिजाज रखे, तो उसे किसी लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं, उसकी जिंदगी के अंदर इंकलाब पैदा करने के लिए एक जुमला काफी होता है। एक जुमला, एक वाक्या, एक सेंटेंस ऐसा गुजरा एक सुल्तान, एक बादशाह की जिंदगी में, जिस बादशाह को उसने, उस जुमले ने, उस वाक्य ने, उस सेंटेंस ने उस बादशाह को शेख बनने पर मजबूर कर दिया, उलमा की सोबत के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। वो जुमला क्या है, आइए उस वाक्य को हम सुने गौर से, इबरत हासिल करें, अपनी जिंदगी के अंदर इंकलाब पैदा करें। मेरे भाइयों, शेख अमीदुद्दीन नामी एक सुल्तान थे, बादशाह थे, और वो अपने वालिद के इंतकाल के बाद जब वो बादशाह की कुर्सी पर बैठते हैं, 21 साल तक
आन बान के साथ उन्होंने बादशाहत संभाला और बादशाहत की कुर्सी पर बैठे रहे। लेकिन देखिए क्या होता है, बादशाहत की कुर्सी पर बैठने के बाद 21 साल तक बैठे रहे, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा झूला आया, एक ऐसा वाकया पेश आया जिस वाकये ने उन्हें शेख बनने पर मजबूर कर दिया, अगला की सोबत में रहने पर मजबूर कर दिया और बादशाह की कुर्सी को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, शेख हमीदुद्दीन के पास एक बहुत बड़ा बाप था और उस बाप के अंदर एक लौंडी मुतायन थी। जब बाप के अंदर वो घूमने आए तो लौंडी का काम यह होता कि बादशाह आ चुके हैं तो उनके बादशाह के कमरे में जाकर के सफाई कर देना और बादशाह के आराम से बिस्तर को झाड़ करके बिछा देना, ये काम था। मामूल के मुताबिक बादशाह एक दिन अपने बाग में टहलने के लिए आता है। लौंडी ने देखा कि बादशाह आ चुके हैं। बादशाह के घर में रूम में जाती है, बादशाह के रूम को साफ करती है, उसके बिस्तर को साफ करती है और साफ करने के बाद बादशाह को आने में काफी हो रही थी। लौंडी क्या करती है, जब बादशाह के तमाम चीजों को साफ कर देती है, बिस्तर बिछा देती है कि अब बादशाह इस बिस्तर पर आकर आराम करेंगे, तो मेरे भाइयों बादशाह को आने में दाखिल हो रही है। लौंडी क्या करती है, वहीं पर बैठती है कि उसको हल्की सी नींद आ जाती है और बादशाह के बिस्तर पर सो जाती है। जब बादशाह आता है टहल करके, आने के बाद देखता है कि मेरे बिस्तर पर मेरी नौकरानी, मेरी लौंडी, मेरे इस आई भारी बिस्तर पर, इस आराम दे बिस्तर पर मेरी नौकरानी सो रही है। गुस्से से लाल पीला हो जाता है और गुस्से में आने के बाद उसके हाथ में चाबुक होता है, जिस चाबुक से वो घोड़े को मारता है, उस चाबुक को उठाता है और उस चाबुक से उस लौंडी को मारना शुरू कर देता है। एक चाबुक मारता है, लौंडी उठ जाती है। मेरे भाइयों, एक चाबुक घोड़े पर मारने से घोड़ा हिंगा जाता है, घोड़ा परेशान हो जाता है, भागने लगता है, लेकिन गौर कीजिए उस लौंडी पर एक चाबुक मारता है, लौंडी उठती है, फिर दूसरा चाबुक मारता है, फिर लौंडी जो है रोने के बजाय हंसना शुरू कर देती है, तीसरा चाबुक मारता है, चौथा चाबुक मारता है, यहाँ तक कि 10 चाबुक मार देता है, लौंडी रोती नहीं, रोने के बजाय हंस रही है। मेरे भाइयों, शेख हमीदुद्दीन जो वक्त का सुल्तान है, वो सोचता है कि मैं इस एक चाबुक से अपने घोड़े पर मारता हूँ, घोड़ा भागता है, बीवी आ जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन ये इंसान है, ये लौंडी है, नौकरानी है, मैं इसको एक नहीं 10 मार चुका हूँ, फिर भी ये रोने के बजाय हंस क्यों रही है, आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है। अपने चाबू को रोकता है, हाथ को नीचे करता है, सवाल करता है, आई लौंडी जरा ये बता, मैं तुझे मार रहा हूँ, मैं चाबुक से घोड़े पर मारता हूँ, घोड़ा तू भागने लगता है, लेकिन आखिर वजह क्या है, 10 चाबुक तुझे मार चुका हूँ, लेकिन तू रोने के बजाय हंस रही है। मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनिएगा, लौंडी का जवाब क्या था, लौंडी ने जो जवाब दिया है उसको लिखने के लायक है, सुनने के लायक है, अमल करने के लायक है। लौंडी ने क्या कहा, लौंडी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि इस आराम दे बिस्तर पर इस हल्की सी नींद सोने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है, तो जो इंसान 21 साल से इस आराम दे बिस्तर पर सो रहा है उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए मेरे भाइयों, सोचिए, मजबूर हो गए, सुनने के लायक है। आज हम और आप क्या सुनते हैं, बहुत सी तकारीर सुनते हैं, बहुत सारे बयान सुनते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर इंकलाब पैदा क्यों नहीं होता, चेंजिंग पे क्यों नहीं आती है, आखिर क्या वजह है, आखिर ये मामला क्या है। आज वो बादशाह जो 21 साल से हुकूमत कर रहा था, लौंडी की इस बात को सुना, इस हल्की सी नींद सोने पर, इस आराम के बिस्तर पर एक हल्की सी नींद सोने की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है, तो 21 साल से जो आदमी इस आराम के बिस्तर पर सो रहा है उसका अंजाम क्या होगा। जब ये बात सुनता है, चाबुक छूटते हैं, आग से आंसू टपकते हैं, बादशाह को छोड़ता है, उलमा के साथ जाता है, उनके पास बैठता है,
इल्म दीन सीखता है, कुरान सुन्नत की बात सुनता है, और जब तक जिंदगी थी मौत तक, मौत के आने तक वो उलमा की सोबत में बैठकर कुरान सुन्नत का फैलाने वाला बन जाता है। मेरे भाइयों गौर कीजिए कितनी बड़ी बात है। आज हमारी मिसाल क्या है? हमारी मिसाल उस राहगीर की तरह है, उस रास्ते पर चलने वाले इंसान की तरह है, जो इंसान रास्ते पर चल रहा है, पीछे से कार की तार आती है, कार का ड्राइवर हॉर्न देता है, हॉर्न बजा रहा है कि आप रास्ता क्लियर कीजिए, रास्ते से साइड होइए। आप उसकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, सुनकर अनसुन कर रहे हैं। कार का ड्राइवर बार बार हॉर्न दे रहा है, लेकिन आप उसकी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कार का ड्राइवर गुस्से में आता है, गाड़ी का दरवाजा खोलता है, निकलता है गुस्से में, आपको आकर एक तमाशा मानता है कि मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, बजा रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। चलने वाला वो मुसाफिर, वो राहगीर क्या बोलता है? तुमने इतना हॉर्न दिया, तुमने इतना आवाज दिया कि मेरी कान सुनते सुनते पक गई, मैं अनसुन हो गया, मैं तुम्हारी आवाज को नहीं सुन पा रहा हूँ, सुन करके अनसुन कर दे रहा हूँ। मेरे भाइयों यही मिसाल है। आज हम और आप सुनने के आदि हो चुके हैं, लेकिन सुन सुनकर हमारे कान इतने पक चुके हैं कि हम अमल के मैदान में बहुत पीछे हैं। कौन नहीं जानता है कि नमाज पढ़नी चाहिए, कौन नहीं जानता है कि नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन जरा बताइए मेरे भाइयों, दिल पर हाथ रख के बताइए कि आखिर आज हम नमाज से अवगत बरत रहे हैं कि नहीं बरत रहे हैं? आज हमारी नमाजें फजर की नमाज छूट रही है कि नहीं छूट रही है? जोर की नमाज छूट रही है कि नहीं छूट रही है? असर की नमाज छूट रही कि नहीं छूट रही है? आखिर कहाँ बचे है? हर आलिम, हर खतीब, हर अल्लाह का बंदा आपको भी बड़े रसूल से बोलता है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, और हर वक्त एक आवाज देने वाला आवाज देता है, हैया अस्सला, हैया अल-फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन कहाँ बचे है? आज हमारे माशरे में क्या लोग नहीं है? आज पूरा दैनी नगर मुसलमानों का एरिया है, मुसलमान यहाँ पर रहते और बसते हैं, क्या उनकी कानों में आवाजें नहीं जा रही है? क्या अल्लाह और उसके रसूल की आवाजें उनके कानों से नहीं टकरा रही है? क्या मुअज्जिन नहीं कहता है आओ कामयाबी के लिए, आओ नमाज के लिए? लेकिन क्या वजह है आज घरों को छोड़ करके अल्लाह के घर में क्यों नहीं आते है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते है? आज परेशानियां क्यों नहीं आएंगी? जरूर आएंगी। क्यों? आपने अल्लाह को नाराज किया है, आपने अल्लाह की बातों को नहीं माना है, इसलिए वजह है कि आज परेशानियां हमारे ऊपर आ रही हैं। मेरे भाइयों नमाज पढ़िए। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे आठ नमाजी हैं जिनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाती है, नमाजें काबिले कबूल नहीं होती है। ऐसे लोगों को अजर सवाब नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, वो आठ नमाजी हैं। मेरे भाइयों आप सवाल कर सकते हैं कि जनाबे आली नमाज भी पढ़े फायदा भी ना हो, अजर सवाब भी ना मिले। हाँ मेरे भाइयों मेरा जवाब है, ये मेरा जवाब नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है कि जो लोग ऐसे नमाज पढ़ेंगे उनकी नमाज काबिले कबूल नहीं होगी। वो आठ लोग कौन है? मेरे भाइयों मैं आपको बताता हूँ वो आठ लोग कौन है। और आज के खुतबे जुमा में यही आठ चीजें लेकर जाइए और देखिए क्या उन आठ लोगों में से क्या हम भी शामिल हैं क्या? अगर शामिल हैं तो याद रखिए, बदलिए अपने आप को, चेंज कीजिए, वरना याद रखिए नमाज भी काबिले कबूल नहीं होगी, आपका अमल काबिले कबूल नहीं होगा। मेरे भाइयों आप गौर करेंगे, जब कुरान करीम का मुताला करेंगे, हमारे माशरे में जो परेशानियां, जो मुसीबतें, जो तकलीफें आ रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली, हमारे घर वाले नमाज से दूर हैं, अल्लाह से बात करने से दूर हैं, अल्लाह से हम कलाम होने में दूर हैं, अल्लाह की बात को मानने में दूर हैं। यही वजह है कि तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे सानी हैं, हजरत उमर के पास जो भी काम करने वाले आमिलीन रहा करते थे,
हजरत उमर उनको सबसे पहले नसीहत करते थे, कहे मेरे आमीन, आए मेरे काम करने वालों, मेरी हुकूमत में रहने वालों सुनो, मेरे यहां सबसे बड़ा मेयार नमाज है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज की अगर तुम पाबंदी करते हो, नमाज का ख्याल रखते हो, तो मैं समझूंगा तुम काम के अंदर पाबंदी कर रहे हो, तुम काम के अमीर हो, तुम्हारे जिम्मे जो काम दिया गया है तुम अमानतदारी से कर रहे हो। अगर तुम नमाज की पाबंदी नहीं करोगे, नमाज का ख्याल नहीं रखोगे, तो मैं समझूंगा कि जो काम तुमको हमने दिया है उस काम के तुम खाइन हो, तुम ख्यानत कर रहे हो, तुमने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। मेरे भाइयों, हजरत उमर के यहां मेयार क्या था? नमाज। नमाज अच्छी है तो तुम्हारा काम भी प्यारा, नमाज अच्छी नहीं, तुम काम कितना भी अच्छा कर दो, तुम्हारा काम प्यारा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, आज हमारे यहां हर चीज मेयारी होनी चाहिए, हमारी दुकान मेयारी होनी चाहिए, हमारा मकान मेयारी होनी चाहिए, हमारी औलाद की तालीम मेयारी होनी चाहिए, हमें तनख्वाह मेयारी मिलनी चाहिए, हमारा क़याम मेयारी होना चाहिए, हमारा मकान मेयारी होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, एक चीज को लिख के रख लीजिए, अगर आपकी नमाज मेयारी नहीं, आपकी नमाज अच्छी नहीं, आपका कोई भी काम मेयारी नहीं होगा। अगर आपकी नमाज अच्छी है तो आपका मकान भी अच्छा है, आपका खानदान भी अच्छा है, आपका माशरा भी अच्छा है, आपकी औलाद भी अच्छी है, आपकी बीवी भी अच्छी है, आपका आपका कब्र में रहना भी अच्छा है, मरने के बाद जीकर उठना भी अच्छा है, आपका अल्लाह के सामने हाजिर होना भी अच्छा है, और जन्नत के अंदर एक मकान जो मिलेगा वो भी आपके लिए अच्छा होगा। ये कब होगा? जब आपकी नमाज अच्छी होगी। एक नमाज के अच्छे हो जाने से कितने फायदे हो रहे हैं? मकान भी अच्छा, दुकान भी अच्छा, खानदान भी अच्छा, माशरा भी अच्छा, और बच्चे भी अच्छे, और कब्र के अंदर भी अच्छाई, और मरने के बाद उठकर जिंदा होंगे वहां भी अच्छाई, क्यामत के मैदान में रब के सामने हाजिर होंगे वो भी अच्छाई। मेरे भाइयों, इन तमाम अच्छाइयों को छोड़ करके आप नमाज को भी छोड़ें, नमाज को बनाइए, इन अच्छाइयों को हासिल कीजिए, इन अच्छाइयों के चलते आप नमाज को खराब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आठ चीजें क्या है। पहली चीज जिसकी नमाज अकल पूर्ण नहीं होती, पहला शख्स वो है जिसकी नमाज रायगा और बेकार हो जाती है, जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, जमात के साथ नमाज पढ़ने में पीछे रहते हैं। ऐसे लोग अगर बगैर उज्र के, बगैर शरई उज्र के पीछे रहते हैं और जानबूझकर पीछे रहते हैं, जमात छोड़ देते हैं, तो याद रखिए ऐसे लोगों की भी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, ऐसे लोगों की नमाज का अजर सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सम्यान निदा, जब अजान की आवाज दी जाए फलम याति ही, और इंसान नमाज पढ़ने के लिए न आवे, तो याद रखो फला सलाता इल्ला मिन उज़्री, उसकी नमाज नहीं होगी बगैर शरई उज़्र के। हाँ, अगर उसके पास कोई उज़्र है, कोई परेशानी है, ऐसी बीमारी है जिससे आ नहीं सकता है, तो उज़्र की बिना पर उसकी वो नमाज हो सकती है, लेकिन बगैर उज़्र के अगर वो जमात से नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी नमाज काबिले कबूल नहीं होगी। और कीजिए, सही मुस्लिम की रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हदीस है। आज हमारे पास बहाना होता है ना कि थोड़ा सा लेट हुआ या दुकान पे ग्राहक आ गया, अब चलो कजा कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, या चलो अभी तो वक्त है कजा का, पढ़ लेंगे बाद में। हम इस तरह बहाना करते हैं कि रात हो चुकी है या लेट हो चुका है, घर दूर है, कैसे जाएं नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन गौर कीजिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक नाबीना साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि लैस ली क़ाइदुन यक़ूदुनी इलल मस्जिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई रहनुमा नहीं है, कोई लाने वाला मुझको नहीं है, मुझे परमिशन दीजिए मैं घर में नमाज पढ़ूं। मेरे पास सात मसला है, मेरे साथ सात परेशानियां हैं। पहली परेशानी, मैं आंख से नाबीना हूँ, देख नहीं सकता हूँ, मुझे लाने वाला कोई नहीं। दूसरी परेशानी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
तीसरी परेशानी मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, चौथी परेशानी और मेरा जो रास्ता है मस्तिष्क में जाने का वो रास्ता खारदार झाड़ियों से, वो बिल्कुल जो है दोनों तरफ खारदार झाड़ियां है, रात के अंधेरे में दिखता नहीं मैं कैसे जाऊं। पांचवी परेशानी, छठी परेशानी ये है, रात में जाऊंगा कीड़े मकोड़े का डर होता है, सांप बिच्छू का डर होता है, कहीं काट ले, इस खौफ से मैं क्या करूं। छठी परेशानी और सातवीं परेशानी है कि मेरा सहारा, मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है। ये सात परेशानियां हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस सात परेशानी को रखा, अल्लाह के नबी का दिल नरम हो जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा फरक फसल हो जाओ, तुम्हें परमिशन है तुम घर के अंदर नमाज पढ़ो, लेकिन जैसे ही वो नाबीना सहाबी अपने असा के धंधे के सहारे आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि उस सहाबी को फिर से बुलाओ, और उनका नाम क्या था, अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब वो आगे जाते हैं अल्लाह के नबी ने फिर बुलवाया और कहा ऐ मेरे सहाबी हल तस्मऊ निदा, क्या तुम घर के अंदर अजान की आवाज को सुनते हो। अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम ने कहा अल्लाह के नबी हां सुनता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तब तुम्हारे लिए जरूरी है तुम मस्जिद जाकर नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे भाइयों कहां है हमारा, नमाज की इतनी बड़ी फजीलत, जमात के साथ नमाज पढ़ने का मकाम, और आज हमारा तरह तरह के बहाने, एक नाबीना सहाबी है, आग से नाबीना है, साथ साथ परेशानियां है, फिर भी नबी ने परमिशन नहीं दिया और कहा आपको मस्जिद में आकर नमाज पढ़नी। ये पहली चीज है, अगर कोई आदमी जमात से नमाज नहीं पढ़ता या मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ता जानबूझकर बगैर उजर के, तो उसकी नमाज काबिले कबूल नहीं होती। दूसरा आदमी वो, दूसरा इंसान वो जिसकी नमाज काबिले कबूल नहीं होती जो इत्मीनान और सुकून के साथ रुकू और सजदा नहीं करता। आज हमारी हालत क्या है, 10 मिनट मस्जिद में नहीं बैठ सकते। अगर दोस्त बोला कि 1 घंटा तुम बैठकर खड़े होकर बात करो, या अगर रेलवे का टिकट में टिकट लेना है 1 घंटा खड़ा हो रहा हो, या राशन लेना है 1 घंटा खड़ा हो रहा हो, खड़े होकर ले गए, लेकिन रब के बारगाह में 15 से 20 मिनट हम नहीं ले सकते। ऐसा लगता है कि हम जैसे हमें यहाँ पर कोई पकड़ रहा है। जब फटाफट नमाज पढ़ी, सुन्नत भी नहीं पढ़ा चले गए, सुन्नत भी पढ़ी तो रुकू का पता नहीं, सजदे का पता नहीं, दुआएं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, छटपट मारा आप कौए की तरह चोंच मारा और चले गए। मेरे भाइयों याद रखिएगा, याद रखिएगा, ऐसी नमाज पढ़ने वालों को उनकी नमाजें मुंह पर दी जाती है, कबूल नहीं होती है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान टाट मटोल करके नमाज पढ़ता है, वजू अच्छे से नहीं करता है, इत्मीनान सुकून के साथ रुकू नहीं करता है, सजदा नहीं करता है, तो उनकी नमाजें काली कलौटी होकर के यानी नूर और बरकत से खाली होती है, और जमात जब रुखसत होती है तो वो नमाज कहती है अल्लाह तुझे बर्बाद करे। किसको? नमाज पढ़ने वालों को नमाज कह रही है। क्या कह रही है? अल्लाह तुझे बर्बाद करे, जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया है, तूने रुकू नहीं किया है, सजदा नहीं किया है, अल्लाह तुझे भी बर्बाद करे मेरे भाइयों। और फिर वो नमाज को फरिश्ते आसमान पर लेकर जाते हैं, एक कपड़े में लपेटते हैं, और उस कपड़े में लपेट कर वो फरिश्ते उस नमाजी के मुंह पर उस नमाज को मार देते हैं, चाहे तेरी नमाज बर्बाद हो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इत्मीनान और सुकून से नमाज न पढ़ने वालों, रुकू और सजदा न करने वालों, रुकू के अंदर 3 कम से कम 3 मरतबा आपको सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना है, और सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। अब और कीजिए, आराम से पढ़ने में कितना टाइम लगता है और हम और आप कितने जल्दी पढ़ते, और कीजिए मेरे भाइयों। इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ने वालों की नमाज नहीं होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी एक मर्तबा मस्जिद के कोने में बैठे हुए थे, एक शख्स आया और उसने नमाज जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और जाने लगा तो अल्लाह के नबी को सलाम किया। अल्लाह के नबी ने कहा इर्जी फसल्ली फरीन लगा लम तुसल्ली, तो लौट जा, तूने
अल्लाह के नबी ने भेजा कि तूने नमाज नहीं पढ़ी है, तेरी नमाज काबिल कबूल नहीं हुई है। चौथी मरतबा वो शख्स आता है अल्लाह के नबी से, कहता अल्लाह के नबी अब इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, तो आज कितनी मुझे नमाज सिखा दीजिए। अल्लाह के नबी ने नमाज सिखाया, रुकू ऐसे करते हैं, सजदा इत्मीनान से करते हैं। मेरे भाइयों, इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ी। और तीसरा आदमी वो है जो नमाज में चोरी करता है। अब आप पूछेंगे नमाज में चोरी, हाँ नमाज में चोरी करता है। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरे साहब ये तुम में बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। सारे ग्राम परेशान हो जाते हैं, पूछते अल्लाह के नबी नमाज में चोरी कैसे, नमाज में कौन चोरी करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो रुकू मुकम्मल नहीं करता, सजदा मुकम्मल नहीं करता, वो नमाज का चोर, वो नमाज का चोर है। अगर आप चोर कहलाते हो, अगर आप रुकू सजदा मुकम्मल नहीं करोगे, तो चोर है नबी की नजर में, चोर है अल्लाह की नजर में, आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इत्मीनान और सुकून के साथ, खुशू और खुदू के साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर वो 60 साल तक भी नमाज पढ़ेगा और क़यामत के मैदान में जब रब के सामने हाजिरी होगी, अल्लाह कहेगा मैं तेरी 60 साल की इबादत को काबिल कबूल नहीं करूं, रिजेक्ट। क्यों? इसलिए कि तूने मेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी, रुकू आराम से नहीं किया, सजदा आराम से नहीं किया, 60 साल तक जो तूने नमाज पढ़ी है वो नमाज मेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक नहीं थी, इसलिए आज तेरी नमाज को मैं जाया और बर्बाद कर देता हूं, जा तुझे तेरा अजर सवाब तुझे नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, नमाज के मामले में इतने हसास, नमाज आराम और सुकून से पढ़नी चाहिए, इत्मीनान सुकून से पढ़नी चाहिए। और नमाज के मामले में हमारे असलाफ कितने हसास थे, एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने बच्चे को अपने गांव से कुछ दूर पढ़ा रहे थे। एक मरतबा उनका बच्चा बाल कटाने में असद की नमाज छोड़ देता, सैलून में बैठा हुआ था, बाल कटा रहा था, असद की अदान होती है, नमाज छोड़ जाती है। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज को मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे ने हजामत बनवाते बनवाते असर की नमाज छोड़ दी है, तो मालूम है क्या कहा, उनके उस्ताद को खत लिखा और साथ में खत के साथ एक आसा, चमड़े का एक आसा, एक झुर्रा झुर्रा भेजा और कहा खत के अंदर कि आपको हुक्म दे रहा हूं कि इस दुर्गे से मेरे बच्चों को मार मार कर दुर्गे को तोड़ दीजिए और सवाल कीजिए कि तुमने असर की नमाज जमात से तुमने क्यों छोड़ दी है, तुम्हारी असर की नमाज क्यों छोड़ी। अल्लाह हु अकबर, ये जज्बा था, आइंदा तुम्हारी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर अपने बच्चों के ताल्लुक से जज्बा है कि आज मेरा बच्चा नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आज हम नमाज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। याद रखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की आंख की रोशनी जा रही थी, बुढ़ापे की उम्र थी, रोशनी जा रही है, एक आंख का माहिर डॉक्टर आता है और कहता है अरे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आपकी रोशनी आ सकती है लेकिन आपको कुछ दिन तक नमाज छोड़ना पड़ेगा, जब आपकी आंख बनेगी तो आप छुटेंगे तो परेशानी होगी, आपको ध्यान रखना होगा, नमाज को छोड़ना होगा। मालूम है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने क्या कहा था, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का जुमला सुनिए मेरे भाइयों, सुनिए, नमाज छोड़ने वालों, नमाज की पाबंदी न करने वालों सुनो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा था ये रोशनी जा सकती है, ये रोशनी जाया हो सकती है लेकिन मेरी नमाज जाया नहीं हो सकती, आप चली गए परवाह है लेकिन रब के लिए मैं नमाज छोड़ दूं इसकी परवाह नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों गौर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। याद रखिए मेरे भाइयों, इसको लिख लीजिए, इसको बैठा लीजिए, तजुर्बा कीजिए,
अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका माशरा भी अच्छा होगा, कारोबार में बरकत भी होगी, घर के अंदर रौनक आएगी। इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा है आप बुराइयों से बच जाएंगे। इन सलातना अनिल बादशाह कर नमाज बुराइयों से, बेहयाइयों से और बहाशियों से इंसान को नमाज रोकती है। मेरे भाइयों याद रखिए, आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सूद का कारोबार भी करते हैं और अय्यारी भी करते हैं, एक दूसरे का हक मारते हैं। इसका मतलब क्या, कुरान गलत है क्या? कुरान गलत नहीं, बल्कि हमारी नमाज में कमी हो रही है, हमारी नमाज में कोताही हो रही है। लिहाजा नमाज पढ़े, सुन्नत के मुताबिक पढ़े, नमाज पढ़े अल्लाह और उसके रसूल के हिदायत के मुताबिक नमाज पढ़े। मेरे भाइयों आज के इस खुतबे में मैं पैगाम देना चाहता हूँ आपको, यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप वादा करें आज कभी अल्लाह के घर में बैठ करके कि इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ेंगे, नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठहर ठहर कर पढ़ेंगे, खुशू और खुशू के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करके पढ़ेंगे, इस सोच से पढ़ेंगे कि मैं रब को देख रहा हूँ, रब को देख रहा हूँ, रब से बात कर रहा हूँ, रब के सामने रो रहा हूँ, रब के सामने फरियाद कर रहा हूँ, अल्लाह से भीख मांग रहा हूँ, अल्लाह के सामने हाथ फैला रहा हूँ, अपनी मुसीबत को रख रहा हूँ, अपनी परेशानी को रख रहा हूँ। और वो रब्बुल आलमीन मेरी नमाज खत्म होते होते मेरी परेशानी भी दूर कर देगा, मेरी फरियाद को भी सुन देगा, मेरी तमाम चीजों को दूर कर देगा और मुझे नेक इंसान बना देगा। ये सोचकर नमाज पढ़िए मेरे भाइयों, काम तो होता रहेगा, काम किसके पास नहीं है, ये जिंदगी है चलती रहेगी, लेकिन एक बार नमाज छूट जाएगी दोबारा आपको वो वक्त मुयस्सर नहीं होगा। लिहाजा मेरे भाइयों नमाज की पाबंदी कीजिए और नमाज को सुकून से इत्मीनान से पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, नमाज को इत्मीनान और सुकून के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा, नमाज को इस तरह इस अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस अंदाज में हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया है, ताकि हमारी नमाज जाया ना हो जाए, हमारी नमाज हमारे मुंह पर ना मार दी जाए। अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले, हमारी नमाज पढ़ने की तौफीक दे, हमारे घरों को अच्छा बना दे, हमारे माशरे को अच्छा बना दे और जो परेशान कार है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो परेशान जो बीमार है उनकी बीमारी को दूर कर दे और जो जो जा चुके हैं दुनिया से उनके कब्र को दूर से मनोवर कर दे, जन्नत अल-फिरदौस वाला मकाम नसीब फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह के बारगाह में झुकने की रब से मांगने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।